हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है मेरे सेटिकल चैनल पर। तो आज का टॉपिक है रूम हीटर वायरिंग। तो रूम हीटर किस प्रकार से होता है? इसमें होता है दो रॉड जो हीट प्रोवाइड करता है, उसके साथ है तीन स्विच, सिंगल वे स्विच, उसके साथ रेगुलेटर, और इसमें होता है एक फैन, और एक और होता है इसमें थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के क्या होता है, यदि अधिक हीट हो जाने पर यह क्या हो जाता है, कट आउट कर देता है। यह थर्मोस्टेट हम आयरन में भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चलिए वायरिंग करते हैं। तो न्यूट्रल का काम खत्म करते हैं, न्यूट्रल को एक रॉड से दूसरे रॉड से इंडिकेटर से होते हुए फैन में दे देंगे। तो न्यूट्रल काम खत्म हो गया, अब यहाँ से फेस लेंगे, अब फेस को थर्मोस्टेट से और थर्मोस्टेट से निकाल कर सारे स्विच में दे देंगे, और एक स्विच को एक रॉड से, एक और स्विच को एक और रॉड से। तो इस प्रकार से हीट किया जा सकता है। और उसके बाद आता है थर्ड स्विच। थर्ड स्विच को रेगुलेटर, और रेगुलेटर से दूसरे पॉइंट से निकाल कर फैन को दिया जाता है, जिससे रेगुलेटर से फैन को कम ज़्यादा किया जा सके। तो इस प्रकार से रूम हीटर वायरिंग किया जाता है। तो वॉचिंग इतना ही गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।